अस्सलाम वालेकुम, वी आर स्टार्टिंग विद लेक्चर 1 ऑफ AI। मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे गिवन है जिसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है, वी आर गोइंग टू हैव अ रिव्यू सेशन आफ्टर एवरी क्लास, और अगर तब भी नहीं समझ आता है तो यू हैव गॉट माई ईमेल आईडी। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग, हमारा जो AI का कोर्स है दैट इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। बेसिकली हम कोशिश ये करते हैं कि बिफोर मिड टर्म्स हम प्रॉब्लम सॉल्विंग और एडवर्सेरियल सर्च, ये वाले टॉपिक्स हम बिफोर मिड कर देते हैं, और इसके बाद जो मशीन लर्निंग के टॉपिक्स हैं दैट इज़ दिस लर्निंग, ये हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर मिड टर्म्स। एडवर्सेरियल सर्च, कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सर्चिंग, और रीजनिंग एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, मैं इन सबको एक पार्ट कंसिडर करती हूँ। मशीन लर्निंग इटसेल्फ एक अलग पार्ट है जो कि पार्ट ऑफ AI है। AI इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि कोर्स में जितनी टॉपिक्स हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर लें, लेकिन मशीन लर्निंग इटसेल्फ एक अलग से कोर्स ऑफर होता है जो जिसमें और एडवांस्ड में हम चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। बुक जो तुम लोगों की रेफरेंस बुक है दैट इज़ रूसल नॉर्विक, मैं इसे तुम्हारे LMS पे अपलोड कर दूँगी। इसके अलावा ये रेफरेंस बुक्स गिवन है, इसके अलावा मैंने और बुक्स भी डाली हुई हैं LMS पे, यू कैन गो थ्रू दैम। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वही है, असाइनमेंट्स 30 मार्क्स के होंगे क्योंकि ऑनलाइन है सेशन, तो क्विजेज नहीं होंगे, असाइनमेंट्स ही होंगे। मिड टर्म एग्ज़ाम होगा 20 मार्क्स का, और फाइनल एग्ज़ाम वुड बी ऑफ 50 मार्क्स। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ AI इटसेल्फ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ तो मुझे ज़्यादातर जो जवाब मिलता है वो सबके जहन में यही होता है कि मशीन लर्निंग है, क्योंकि FIPs के हवाले से सब लोग सोच रहे होते हैं और सुना भी यही होता है कि मशीन लर्निंग इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नॉट ओनली मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग एक पार्ट है AI का, लेकिन उसके अलावा AI में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम इसे एज अ टर्म देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस, सही है। इसका मतलब है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब है कि इट इज़ नॉट रियल, आर्टिफिशियल है। अब इस वर्ड को समझने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इंटेलिजेंस इटसेल्फ, सही है। तो सबकी अपनी डेफिनेशन होती है, व्हेन वी हैव अ क्लास, तो मैं उसमें इसका पूरा एक लाइव डिस्कशन करती हूँ जो वी विल हैव इन रिव्यू क्लास एज वेल इंशाल्लाह। तो उसमें बच्चों के मुझे अलग अलग जवाब मिलते हैं कि इंटेलिजेंस इटसेल्फ होती क्या। फॉर गोइंग इन टू दैट मच डिबेट जो कि वी आर गोइंग टू हैव इन द लाइव सेशन, लेट्स जंप इन टू दीज क्वेश्चन जो कि स्टैनफर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल है। वॉट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स। अब सवाल ये होता है कि इंटेलिजेंट मशीन्स, अब दोबारा वही बात है, इंटेलिजेंस इटसेल्फ होती क्या है? तो उसके लिए दे आर सेइंग इंटेलिजेंस इज़ द कंप्यूटेशनल पार्ट ऑफ एबिलिटी टू अचीव गोल्स, यानी कि अगर हम कोई गोल अचीव कर लेते हैं दैट मीन्स कि हम इंटेलिजेंट हैं, यानी कि अगर हमें कोई टास्क दिया जाता है और हम उस टास्क को अचीव कर लेते हैं दैट मीन्स कि वी आर इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इंटेलिजेंस, मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात कर रही हूँ, मशीन्स में इंटेलिजेंस की बात अभी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो एबिलिटी टू मेक द राइट डिसीजन, अगर हम सही डिसीजन ले सकते हैं दैट मीन्स उसकी जो एबिलिटी होती है दैट इज़ ऑल्सो इंटेलिजेंस। तो इसकी इंटेलिजेंस की डेफिनेशन अभी तक एक क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं वर्ड्स में कि इंटेलिजेंस होती क्या है, सबकी अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं। Isn't there a solid definition of intelligence that doesn't depend on relating it to human? No, not yet. ठीक है, तो अभी तक कोई हमारे पास सॉलिड डेफिनेशन नहीं है इंटेलिजेंस की जिससे हम डिफाइन कर सकें कि इंटेलिजेंस इटसेल्फ होती क्या। अपार्ट फ्रॉम दैट, 1994 में देयर वाज अ पेपर पब्लिश्ड कॉल्ड मेन स्ट्रीम साइंस ऑन इंटेलिजेंस, जहाँ जिसमें इंटेलिजेंस की डेफिनेशन उन्होंने इस तरह से बताई थी, एबिलिटी टू रीजन, प्लान, सॉल्व प्रॉब्लम्स, थिंक एब्स्ट्रैक्टली, कॉम्प्रिहेंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ एंड लर्न। इन सब चीज़ों को जब हम एक जगह यूनाइट कर देते हैं दैट इज़ द इंटेलिजेंस, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो हमारे पास
इंटेलिजेंस जो हम लोग यूज़ कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो कि इस रिसर्च पेपर में थी, इंटेलिजेंस में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इन्फ्योरेंस एंड लर्निंग, एंड दिस इज़ आवर कोर्स प्लान फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में यही चीज़ें पढ़ रहे होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. ठीक है, हम सबसे पहले जो हमारा परफॉर्मेंट जो हमारा टारगेट होगा दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग एंड प्लानिंग. उसके बाद हम जब आगे मिड टर्म्स के बाद जाएंगे तो वहाँ पर हम इन्फ्योरेंस और लर्निंग की बात कर रहे होंगे. ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक कोर्स ऑफ AI जो कि हमारा डिवाइडेड होगा इन पार्ट्स में और इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे होंगे ड्यूरिंग द कोर्स. अच्छा, जब हम AI की बात करते हैं देर आर टू स्कूल ऑफ नॉलेज जो कि एक कहता है कि अगर हमने किसी ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर लिया, ऐसी मशीन बना ली जो कि एग्जैक्टली ह्यूमन की तरह काम करती है, उसी की तरह सोती है, उसी की तरह जागती है, उसी की तरह बातें करती है, दैट इज़ द परसेप्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग AI. सही है, जबकि वीक AI ये कहती है कि वीक AI ज़रूरी नहीं है कि हम एक ह्यूमन को मिमिक करें, हम सिर्फ कुछ फ़ीचर्स को भी अगर इम्प्लीमेंट कर लें, यानी कि ऐसे प्रोग्राम्स बना लें, ऐसी मशीन्स बना लें जो कि कुछ फ़ीचर्स को मिमिक कर रही हूँ, दैट इज़ वीक AI. सही, सपोज़ अगर मैं कहती हूँ मैं एक चैटबॉट बना रही हूँ जो कि ह्यूमन की तरह बिहेव करता है या उसकी तरह बात करता है, ठीक है, तो दैट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग AI. स्ट्रॉन्ग AI कहता है कि बिल्कुल इसी तरह से करना है, एग्जैक्टली उसी तरह करना है जिस तरह ह्यूमंस करते हैं. तुम लोगों ने चैटबॉट्स देखे होंगे जैसे हम, तो उनमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको वो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि दीज आर मशीन्स, दीज आर नॉट ह्यूमंस. ठीक है, तो दिस इज़ वीक AI. जबकि स्ट्रॉन्ग AI ये कहती है कि हम बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह की मशीन बनाएं जिस तरह ह्यूमंस बात करते हैं और हमें डिफरेंस ना पता चल सके दिस इज़ अ मशीन और दिस इज़ अ ह्यूमन. सही, उसमें कुछ फीचर्स ना हो, वो एग्जैक्टली ह्यूमन की तरह बिहेव करती हो, ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह सोचती हो, उसी की तरह बात करती हो. तो एज अ मुस्लिम वी शुड बिलीव के स्ट्रॉन्ग AI में हमारे पास स्ट्रॉन्ग AI का जो फॉलोअर्स होते हैं उनका कहना ये होता है कि अगर हमारे पास इतनी प्रोसेसिंग पावर है और हम उसे इंटेलिजेंस दे सकते हैं उस मशीन को, तो हम इस तरह का कंप्यूटर बना सकते हैं जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह सोचता है और उसी की तरह जो है वो काम करता है, उसी की तरह सोता है, उसी तरह जागता है, उसी की तरह बातें करता है. कुछ फ़िलोसफ़र्स होते हैं जो ये बिलीव करते हैं कि इंस्टेड ऑफ मिमिकिंग ह्यूमंस, उनको मिमिक करने के बजाय वी शुड फोकस ऑन यूजिंग मशीन्स इंटेलिजेंटली, यानी कि हम उनके कुछ फ़ीचर्स को इम्प्लीमेंट कर लें या हम अपने काम के लिए किसी मशीन को बेनिफिशियल बनाने के लिए या किसी कंपनी के लिए कोई फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम इस तरह की मशीन्स बनाएं जो इंटेलिजेंटली बिहेव करती हों, लेकिन एग्जैक्टली ह्यूमन की तरह बिहेव करना इज़ नॉट नेसेसरी. ठीक है, तो दिस इज़ अ डिबेट के स्ट्रॉन्ग AI कुछ लोग फॉलो करते हैं कि नहीं, स्ट्रॉन्ग AI इज़ मोर पावरफुल और वीक AI इज़ मोर पावरफुल. लेकिन मैं इसके आगे अच्छी डिबेट दूंगी कि राइट ब्रदर्स ने जब एरोप्लेन इन्वेंट करा था तो उन्होंने इनिशियली बर्ड्स को मिमिक करने की कोशिश करी थी कि जिस तरह बर्ड्स फ्लाई करती हैं हम इस तरह की मशीन बनाएंगे, और उसी के पीछे उसके पीछे जो उनकी मैकेनिक्स होती हैं उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी थी. तो उनकी जो सारी अटेम्प्ट फेल हो गई थी, लेकिन जिस दिन उन्होंने ये सोचना छोड़ दिया था कि हमें बर्ड्स को मिमिक करना है, इंस्टेड उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि हमें एक ऐसी मशीन बनानी है जो कि हवा में उड़ सके, तो उस दिन वो लोग देवर सक्सेसफुल जब उन्होंने मिमिक करना छोड़ा था. तो यहाँ पर भी यही डिबेट होती है कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग के ह्यूमंस किस तरह काम करते हैं, ह्यूमंस किस तरह सोचते हैं, ह्यूमंस किस तरह बात करते हैं, हमें इस तरह की मशीन्स बनाने के बजाय हमें फ़ीचर्स पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि एग्जैक्टली हम मशीन से करवाना क्या चाह रहे हैं. ठीक है, इंस्टेड ऑफ मिमिकिंग ह्यूमंस हमें जो हमारा प्रॉब्लम है हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, हमारा जो डोमेन है हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. इसी तरह दो स्कूल ऑफ नॉलेजेस हैं जो एक है फिलोसफिकल और एक है प्रैक्टिकल. फिलोसफिकल ये कहता है कि क्या मशीन सोच सकती हैं, क्या मशीन जो हैं वो क्या मशीन जिस तरह सोचती हैं वो ह्यूमन थॉट से डिफरेंट है,
ऑब्वियसली उनमें वो सेंटिमेंट्स नहीं होंगे, ऑब्वियसली मशीन के अंदर वो डिप्रेस नहीं हो सकती हैं, वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस, अब तो खैर रोबोट्स इस तरह के बन रहे हैं कि वो फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो ह्यूमन की तरह सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते हैं। तो ये फ़िलोसफिकल AI है, जबकि प्रैक्टिकल AI ये कहता है कि अगर मैं एक ऐसी मशीन बनाऊँ कि अच्छा यहाँ पर मेरे पास स्लाइड्स में पूरी शो नहीं हो रही हैं, क्या मैं मशीन बनाऊँ तो मुझे मेरी कंपनी को $20 million ईयर वो इम्प्रूव करेगी अपनी सेल्स या नहीं करेगी, सही है? या फिर इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हम ऐसी मशीन बनाएं जिसमें सपोज़ बैंक डिटेक्ट करना चाह रहा है कि मेरे पास कस्टमर आता है वो मुझे फ्रॉड, मेरे साथ फ्रॉड करेगा, यानी क्रेडिट कार्ड मैं इसे इशू करूं या नहीं करूं बेस्ड ऑन कि वो मुझे फ्रॉड करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं दिस इज़ प्रैक्टिकल AI, जबकि अगर हम फिलोसफिकल AI की बात करते हैं तो वहाँ पर हम यूजुअली यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या मशीन्स ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकती हैं, क्या वो हम, सो लेट्स डिस्कस सम बिग माइलस्टोन्स ऑफ AI। सबसे पहला वाला है डीप ब्लू। डीप ब्लू वॉज अ मशीन इन्वेंटेड बाई IBM 1997 में। देयर वॉज अ मैच जिसमें वर्ल्ड चेस का चैम्पियन था गैरी कास्पारोव, उसको डीप ब्लू ने हराया था, और सिर्फ एक मैच में नहीं हराया था, दैट वाज सिक्स गेम्स का मैच था, यानी कि टोटल सिक्स गेम्स थे जिसमें से दो मशीन डीप ब्लू ने जीते थे और एक जो गैरी कास्पारोव था उसने जीते थे, और तीन ड्रॉ हो गए थे। तो आफ्टर दीज सिक्स मैचेस इट वाज कंक्लूडेड कि डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैम्पियन को हरा दिया। तो दैट वाज अ बिग माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ AI, जिसमें प्रैक्टिकली एक चीज़ नज़र आ रही थी कि हाँ एक मशीन ने ह्यूमन को हरा दिया। दैट इज़ अच्छा, जो हम स्ट्रॉन्ग और वीक AI की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर एक मैच खेलने की बात हो रही है चेस का, तो दैट इज़ वीक AI। लेकिन हाँ, अगर मैं कहती कि अगर बिल्कुल एग्जैक्टली ह्यूमन की तरह हम एक ऐसी मशीन इन्वेंट करते हैं, ऐसा रोबोट इन्वेंट करते जो भी ह्यूमन की तरह खेल रहा होता और उसी की तरह बैठा हुआ होता और उसी की तरह सोच रहा होता, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग AI, ठीक है? तो ये जो डीप ब्लू इन्वेंट कर रहा था दैट वाज बेसिकली ब्रूट फोर्स के ऊपर काम कर रहा था, यानी कि उसमें जितने पॉसिबल मूव्स हो सकती थी उस मशीन के अंदर फीड की गई थी, और वो हर मूव पर अपने जो सपोज़ कर लो एक रिपोजिटरी थी या उसके पास एक डेटा बेस था जिसमें से वो जाके सर्च करता था कि कौन सा मूव जो है वो बेस्ट होगा अगर सामने वाले प्लेयर ने ये वाला मूव चला, ठीक है? ये हम बाद में आगे देखेंगे भी जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे एडवर्जेरियल सर्च का। तो दैट वाज अ ब्रूट फोर्स, उसमें कोई लर्निंग इन्वॉल्व नहीं थी, उसमें कोई डीप लर्निंग इन्वॉल्व नहीं थी, तो लेकिन तब भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इन द फील्ड ऑफ AI। माइलस्टोन इन AI हिस्ट्री इज़ द डार्पा अर्बन चैलेंज। डार्पा अर्बन चैलेंज से पहले 2004 में स्टार्ट हो गए थे डार्पा ग्रैंड चैलेंज। डार्पा इज़ बेसिकली US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक एजेंसी है जो कि रिसर्च पे काम करती है, दैट इज़ द डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये फंड, इनको फंडिंग मिलती है इस तरह के रोबोटिक चैलेंजेस करवाने के लिए। तो 2007 का इसलिए मशहूर हुआ था क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट चैलेंज जिसको कंप्लीट किया था 6 teams ने, जिसने कंप्लीट किया था उसमें जो फर्स्ट नंबर था वो डार्टन रेसिंग का था, मेरे ख्याल से यहाँ से स्लाइड्स में नीचे नज़र नहीं आ रहा, जिनको $2 million का प्राइज मिला था। अच्छा, इसमें जो चैलेंज कैलिफोर्निया में हुआ था, 96 किलोमीटर का ट्रैक था जिसको कंप्लीट करना था, और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसमें जितने ट्रैफिक रूल्स थे उसको ओबे करना था, यानी कि कोई भी रोबोटिक कार जब किसी और रोबोटिक कार को उसको डैमेज नहीं करेगी या उसके उसको ब्रेक्स लगाने होंगे टाइम पे, अगर एकदम से कोई और कार आ जाती है तो वो उसका ख्याल रखेगी और रियल टाइम पर डिसीजन मेकिंग करेगी कि उसको अब क्या स्टेप लेना चाहिए, ठीक है? तो दैट वाज नेक्स्ट बिग माइलस्टोन AI वाज दिस IBM का वॉटसन कंप्यूटर 2011 में। इसने एक प्रोग्राम था जिस तरह क्विज प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह से एक प्रोग्राम होता है जियो पार्टी के नाम से। इसमें इसने एक ह्यूमन प्लेयर को बिल्कुल
देन अनदर माइल स्टोन इज़ द सेल्फ ड्राइविंग कार जो कि 2018 में वेमो वन के नाम से टैक्सी सर्विस लॉन्च करी थी, जो कि एक छोटे से एरिया में काम कर रही है करेंटली, जो यहाँ पर लिखा हुआ है करेंटली न्यूज बाय 400 मेम्बर्स ऑफ द पब्लिक। तो ये का फ़ायदा इन लॉन्ग टर्म ये हो सकता है कि हमारी जो डिलीवरी सर्विस है उसकी उसके रेट्स कम होंगे, ऑब्वियसली जब वन मैंड होगा और मशीन डिलीवर कर रही होगी आपके प्रोडक्ट्स को। लेकिन जहाँ इसका फ़ायदा, इसका नुकसान ये भी हो सकता है कि अगर कोई अपार्टमेंट में रहता है तो उसको खुद जाकर नीचे अपना ऑर्डर पिक करना होगा, बजाय इसके कोई डिलीवरी पर्सन उसके अपार्टमेंट में आकर उसको डिलीवर करे। उसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, आई एम नॉट गोइंग इन दैट मच डिटेल। रोबो कप के नाम से कंपटीशन होता है जो कि जिसमें सॉकर का गेम खेलते हैं, लेकिन ह्यूमन प्लेयर्स नहीं होते, दे आर रोबोट्स, और वो जो फीफा के रूल्स होते हैं वो उनको कंप्लाई कर रहे होते हैं, और उसमें से जो टीम जीतती है दैट इज़ द विनर ऑफ द कंपटीशन। बहुत सारी दुनिया भर की टीम्स होती हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इस कंपटीशन में इसलिए डिस्कस ज़्यादा कर रही हूँ कि इसमें पाकिस्तान की भी कुछ टीम्स हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, नस्ट की टीम है, इनकी उन्होंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, यू कैन गो टू द लिंक एंड सी दैट वीडियो, जिसमें उन्होंने बताया है कि उसको क्वालिफाई करने के लिए, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए कि हम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने एक वीडियो बनानी होती है इस कंपटीशन के लिए, दैट इज़ द क्वालिफाइंग वीडियो। अगर उस वीडियो में हम ये सब चीज़ें प्रूव कर लेते हैं कि हमारी टीम इस काबिल है कि वो इतनी केपेबल है कि वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सके, देन ओनली दे क्वालिफाई यू फॉर द इवेंट। ठीक है, तो नेस्टम की ये वीडियो है दैट यू कैन वॉच, और जिसमें उन्होंने पूरा बताया था कि उनके रोबोट जो हैं वो गोल करने के काबिल हैं, और वो किस तरह डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, और वो किस तरह से जो है वो एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगे, एंड सो ऑन, उसमें जितने रूल्स हैं उनको ओबे कर रहे हैं, देन ओनली दे क्वालिफाई फॉर द इवेंट। अच्छा, नस्ट के अलावा कुछ और टीम्स हैं, सेवियर के नाम से टीम है गुलाम इसहाक खान की, जो रोबो कप में पार्टिसिपेट कर चुकी है, कराची कोलास है IBA की, जिन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था और उसके बाद सेमीफाइनल तक भी वो लोग पहुँचे थे। रोबो कप एशिया का शायद होता है वो, उसमें दे क्वालिफाइड फॉर द इवेंट इन सेमीफाइनल इन 2007 आई गेस। ये देख लेना, तुम लोगों को शायद इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी नेट पे भी। नस्ट की टीम है SMME के नाम से जो पार्टिसिपेट करती है इन सब में। तो ये चार टीम्स हैं जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स की जो रोबो कप में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। अच्छा, इसके अलावा डार्पा चैलेंज की हम बात कर चुके हैं। ये एक ऑनगोइंग कॉम्पिटिशन है जो कि हर साल परफॉर्म होता है। पहले देन डार्पा चैलेंज की हम लोग बात कर चुके हैं। ये कॉम्पिटिशन हर साल होता है। 2017 से उन्होंने एक अपना कॉम्पिटिशन लॉन्च करा, दैट इज़ द सबटेरेनियन चैलेंज, जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ लेकिन यू कैन सर्च फॉर इट। इसमें ये होता है कि हमारे पास कुछ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स होते हैं, सपोज जैसे वॉलकैनो है, वॉलकैनो कहीं पे फट रहा है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली कोई इंसान नहीं जा सकता, तो उसके लिए एक ऐसा रोबोट इन्वेंट करना जो
ऐसे डेंजरस इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर कर सके, वहाँ जा सके और वहाँ पर जो भी वो उसका ट्रैक बताते हैं उसको फॉलो करता हुआ जो उनका टास्क है उसको अकम्पलिश करे। तो दीज आर द चैलेंजेस, जो इस तरह के चैलेंजेस हैं, इसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं एंड सो ऑन, इस तरह की जो जगह हैं वो उनको एक्सप्लोर कर सकें। तो ये चैलेंजेस 2017 से ऑन गोइंग है 2021 तक, सबटेरेनियन चैलेंज। तो यू कैन एक्सप्लोर दीज, अभी ऑन गोइंग है। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के भी स्टूडेंट्स होते हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो रोबोट्स इस तरह के इन्वेंट करते हैं जो ऐसे इन्वायरमेंट्स में जाकर अपने टास्क को कम्प्लीट कर सकें। एंग्री बर्ड्स चैलेंज है जो कि ऑब्वियसली ह्यूमन नहीं खेलेगा, वो एक मशीन खेल रही होगी। तो इस तरह के गेम्स इन्वेंट करना जो कि मशीन इंटेलिजेंटली खेल सके जस्ट लाइक अ ह्यूमन, दिस इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। तो गूगल AI चैलेंज है जो कि सोसाइटी के चैलेंजेस को कैटर करता है, यानी कि हमारे पास जो सोसाइटी में सपोज़ ब्लाइंड पीपल हैं तो उनके लिए ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हम इन्वेंट करते हैं या उनके लिए स्पेसिफ़िकली हम कोई चीज़ इस तरह की बनाते हैं जो उनको काम आए, सही है, कोई डेफ एंड डम है या फिज़िकली इनकेपेबल है, तो इस तरह के लोगों के लिए भी चैलेंजेस आते हैं। दैट इज़ द गूगल AI चैलेंज जो कि सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा होता है। इसी तरह पार्क DD चैलेंज है, पैसिफिक एशिया डेटा माइनिंग कॉम्पिटिशन एंड मैनी अदर मोर, ठीक है, बहुत कॉम्पिटिशन हैं AI के। कैगल के ऊपर अगर तुम लोग विज़िट करो, कैगल इज़ अ वेबसाइट जो कि मैं डिस्कस भी करूँगी, हम इसका प्रोजेक्ट भी कर रहे होंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, जहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं AI से रिलेटेड, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन एंड सो ऑन, इस तरह के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें हमको डेटा सेट दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि इसमें से कुछ मीनिंगफुल चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है। तो और ये पेड कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इनके प्राइज मनी होते हैं और बहुत सारे होते हैं, तो anyone can participate, हम यहाँ पर बैठकर भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस उसमें अब जो कॉम्पिटिशन होते हैं जो मैं अब ज़्यादातर देखती हूँ, उसमें ज़्यादातर कॉम्पिटिशन इस तरह के होते हैं जिनमें मशीन्स इस तरह की रिक्वायर्ड होती हैं जो कि हमारी आम मशीन्स जिन पर काम नहीं कर सकती हैं, हमें पैरेलल कंप्यूटर्स और इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी फॉर दैट। तो बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है AI की, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ऑनगोइंग काम हो रहा है। अभी तक हम बहुत सारी फील्ड्स में इस तरह की बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे हम कहते हैं कि आर्कियोलॉजी की फील्ड है या और इस तरह की फील्ड्स हैं जिन पर काम अब मे बी के इतना ज़्यादा नहीं है उनका, लेकिन कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फील्ड है दैट इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड और इसमें ऑनगोइंग आगे बहुत बहुत ज़्यादा काम है। इवन अब कहते हैं कि आगे जो इन फ्यूचर जॉब्स होंगी वो डेटा साइंटिस्ट्स की ही जॉब्स होंगी और उनकी हाईली पेड जॉब्स होंगी, और अभी भी हम ये ट्रेंड देख सकते हैं कि इन दिस करोना पेंडेमिक ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो अब इंटरनेट बेस्ड हैं, तो इनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और ऑब्वियसली मशीन लर्निंग से रिलेटेड और डेटा साइंस से रिलेटेड अब इन फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा जॉब्स होंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री AI की, कि वो स्टार्ट कहाँ से। 1950s में एलन ट्यूरिंग ने एक पेपर पब्लिश करा था, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, दैट वाज द फर्स्ट पेपर जिसके अंदर ये डिस्कस किया गया था, जो हम आगे भी डिस्कस भी करेंगे। एलन ट्यूरिंग का पूरा एक उसकी थ्योरी है जो उसने प्रपोज करी थी अपने इस पेपर में। देन द नेक्स्ट जो माइलस्टोन था दैट इज़ इन 1956, जिसमें ये टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेंट हुआ था या वहाँ पर इसको यूज़ किया गया था कॉन्फ्रेंस में, दैट इज़ द डार्टमाउथ कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस, सही है। तो उसमें उन्होंने ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी कि इन फ्यूचर हम ऐसी मशीन्स बनाएंगे जो ह्यूमंस की तरह सोच सकती हैं और ह्यूमंस की तरह काम कर सकती हैं। तो 1958 में जॉन मैकार्थी जिसने ये कॉन्फ्रेंस करी थी, उसने स्पेसिफिकली इसके लिए एक लैंग्वेज बनाई, दैट इज़ द लिस्प लैंग्वेज, जो कि ऐसी मशीन्स बनाने में काम आए जो कि इंटेलिजेंटली बिहेव करती हों। MIT में इस लैंग्वेज को बनाया गया था। 1960s में हम कहते हैं कि एक ऐसा पीरियड था जिसे हम कहते हैं राइज ऑफ AI। तो ये वो पीरियड था 1960s का जिसमें AI के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, फंडिंग्स बहुत ज़्यादा मिली हुई थी। 1965 में एलिजा के नाम से एक चैटबॉट बनाया था जिसमें इंटरैक्टिव प्रोग्राम था जो कि इंग्लिश में एक डायलॉग कन्वे करता था, या जिस तरह हमारे पास अब चैटबॉट्स होते हैं, दैट वाज अ वेरी बेसिक चैटबॉट एलिजा।
इसके बाद 1960s के बाद एकदम से बहुत बूम आया था एआई की फील्ड में और बहुत ज़्यादा काम हो रहा था और लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और इस ओवर ऑप्टिमिज्म की वजह से जो नेक्स्ट 10 ईयर्स थे उनके अंदर एआई का काम बंद हो गया था, क्योंकि उन्होंने शायद गलत डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिया था। 1960s की हम बात करते हैं तो वहाँ पर एलन ट्यूरिंग ने अपने पेपर में ये बता दिया था कि इन अबाउट 50 ईयर्स इट विल बी पॉसिबल टू प्रोग्राम कंप्यूटर्स टू मेक देम प्ले द इमिटेशन गेम सो वेल दैट एन एवरेज इंटीग्रेटर विल हैव मोर देन 70% चांस ऑफ मेकिंग द राइट आइडेंटिफिकेशन आफ्टर। ये भी हम देखेंगे, ये दिस इज़ द ट्यूरिंग टेस्ट, इसे हम आगे भी पढ़ना है। 1956 में हर्बर्ट साइमन ने अपने पेपर में लिखा था मशीन्स विल बी केपेबल विद इन 20 ईयर्स ऑफ डूइंग एनी वर्क अ मैन कैन डू, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म की तरफ जा रहा था, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गया था कि अब जो मशीन्स बनेंगी वो हर वो काम कर सकते हैं जो ह्यूमन कर सकता है। तो मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि अगर हम ये सोचने बैठ जाएँ कि मशीन बिल्कुल इस तरह की बनाना शुरू कर दें जो बिल्कुल ह्यूमन्स को मिमिक करता है, तो ये चीज़ इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। अभी भी बना रहे हैं रोबोट्स, लेकिन एज अ मुस्लिम हम लोगों का इस चीज़ पे बिलीफ होना चाहिए कि हम बिल्कुल एग्जैक्टली ह्यूमंस को मिमिक नहीं कर सकते, वो सिर्फ अल्लाह ताला कर सकता। 1993 से ऑनवर्ड्स इस फील्ड में बहुत ज़्यादा बूम आ रहा है और अभी तक इसमें एल्गोरिथम्स जो हैं वो इन्वेंट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, इसमें चेंजेस आते जा रहे हैं। बिग डेटा की फील्ड है, डीप लर्निंग की फील्ड है जो मज़ीद दिन ब दिन ग्रो हो रही है। तो स्काई इज़ द लिमिट, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ के चांसेस हैं। NLP की फील्ड ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ट्यूरिंग टेस्ट की अगर हम बात करें, जो कि मैंने पहले बताया था कि एलन ट्यूरिंग ने अपना पेपर प्रपोज किया था कंप्यूटिंग मशीन एंड इंटेलिजेंस इन 1950, दैट वाज माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ AI, और उसमें उसने एक टेस्ट प्रपोज किया था ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जो कि मशहूर है। टेस्ट में होता ही है कि हमारे पास एक कन्वर्जेशन होती है जिसमें एक इंटरोगेटर होता है और वो इंटरोगेटर किसी से क्वेश्चंस पूछ रहा होता है, उसे नहीं पता कि वो ह्यूमन है या वो मशीन है। तो वो इंटरोगेटर जो है वो 5 मिनट्स तक कन्वर्जेशन करता है मशीन से, और अगर वो मशीन 30% ऑफ द, यानी कि आउट ऑफ 5 मिनट्स 30% ऑफ द टाइम अगर वो उसको फूल कर देती है कि वो एक ह्यूमन है, यानी कि इंटरोगेटर ये समझता है कि वो ह्यूमन है और बिल्कुल उसी तरह जवाब देती है जिस तरह ह्यूमन जवाब देता है, तो वो उस टेस्ट को पास कर लेगी, अदरवाइज़ वो उस टेस्ट को फेल कर देगी मशीन। सही, तो दिस टेस्ट इज़ नोन एज द ट्यूरिंग टेस्ट। और उसने साथ में ये भी अपने टेस्ट में प्रपोज किया था कि बाय द ईयर 2000 तक एक ऐसी मशीन इन्वेंट हो जाएगी जो कि कम्प्लीटली किसी इंटरोगेटर को या जज को फूल कर देगी, लेकिन वो इस चीज़ में गलत था। अभी तक NLP पे बहुत काम हो रहा है, इस तरह की मशीन इन्वेंट करना इज़ नॉट इम्पॉसिबल बट क्लोज़ टू इम्पॉसिबल। हम अगर एक कॉम्प्लिकेटेड उसे क्वेश्चंस पूछता है तो वो अभी भी उसको फूल नहीं कर सकता। तो इसी तरह तुम लोगों ने कभी देखा होगा कि अगर हम ओके गूगल या सिरी में इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं जिसके वो जवाब नहीं हमें दे पाता, तो वो एक ही तरह की बातें रिपीट करना शुरू कर देता है। तो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, और इस टास्क के लिए उन्होंने एक प्राइज़ भी इन्वेंट करता, दैट इज़ कॉल्ड एज लोबनर प्राइज़। ये इसका मैंने लिंक दिया हुआ विकीपीडिया का, चाहो तो इसको जाके सर्च कर सकते हो। दिस इज़ एन एनुअल कॉम्पिटिशन जो कि हर साल होता है, और इसमें जो ट्यूरिंग टेस्ट ने प्रपोज किया था कि ऐसा हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है या ऐसा एक हमें चैटबॉट बनाना है जो कि 5 मिनट्स तक किसी इंटरोगेटर को फूल कर सके, तो ये उसके लिए प्राइज़ होता है। जो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है उसको ये प्राइज़ दिया जाता है, और ये अभी तक हर साल ये कॉम्पिटिशन, इस पर गोल्ड मेडल है जैसे लोबनर प्राइज़ कहता है, जो कि उसको एज अ प्राइज़ दिया जाता है उस टीम को जो कि इंटरोगेटर को फूल करता है। अच्छा, इसमें आप कुछ क्रिटिक्स हैं जो कि सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम ऐसी मशीन बना भी लेते हैं जो किसी इंटरोगेटर या जज को फूल कर दे तो इससे हम AI की फील्ड में कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, हम ऐसी मशीन बनाकर सिर्फ ह्यूमंस को मैमिक कर रहे होंगे लेकिन उससे कोई फ़ायदेमंद चीज़ हमें अचीव नहीं होगी। तो ये इस तरह की क्रिटिक्स हैं कुछ जो कि फेस करी थी एलन ट्यूरिंग ने उस टाइम पर भी।
और फिर वही वाली बात आ जाती है कि जिसको हम कह रहे थे कि स्ट्रॉन्ग एआई और वीक एआई के बजाय इसके कि हम इस पर फोकस करें कि ह्यूमंस को किस तरह मिमिक करना है या उनको कॉपी किस तरह करना है, हम इस चीज़ पर फोकस करें कि हम मशीन्स को किस तरह इंटेलिजेंट बना सकते हैं या वो हमारे काम किस तरह आ सकती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी मशीन्स बन सकती हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनका बिलीफ है कि इस तरह की मशीन्स जो हैं वो बनाना इम्पॉसिबल है। फिर से गोइंग ऑन दैट टॉपिक स्ट्रॉन्गर वीक एआई, इसमें यही बात हो रही है कि लास्ट 40-50 ईयर्स में यही चीज़ हमने देखी है कि अगर हम इस तरह की मशीन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह चलती हैं, उनकी तरह बात करती हैं, दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम उनके छोटे छोटे फीचर्स को इम्प्लीमेंट करें। सही सिंपल, हमने सिर्फ एक चैटबॉट बना लिया जो सिर्फ ह्यूमन की तरह बात करता है, दैट इज़ मच ईजियर कि हम पूरा एक रोबोट ऐसा बनाएं जो बात भी ऐसे करे, चले भी ऐसे और बिल्कुल ह्यूमंस की तरह सोचे। तो दैट इज़ स्टिल अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, और इसको ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, को मिमिक कर रहे हैं, रोबोट्स इस तरह के बना रहे हैं जो कि शेफ्स की तरह काम करते हैं, होटल्स इस तरह के बन गए हैं जिसमें कम्प्लीटली मशीन या रोबोट्स काम कर रहे हैं। तो काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम कहें कि हाँ सारा काम वही कर लें जो ह्यूमन कर सकता है, तो दैट इज़ आई थिंक इम्पॉसिबल, और एज अ मुस्लिम हम लोगों का बिलीफ भी यही होना चाहिए। एप्लीकेशंस इसकी बहुत हैं इंडस्ट्री में, रोबोटिक्स में, ये हम आगे जब क्लास होगी उसमें डिस्कस भी करेंगे। वी हैव टू डिस्कस ऑल दिस। रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, ट्विटर। फेसबुक वालों ने अपना एक चैटबॉट बनाया था जो कि आपस में दूसरे चैटबॉट से कन्वर्जेशन कर सकें। एट दी एंड उसका जो अंजाम हुआ था वो ये हुआ था कि दोनों चैटबॉट्स आपस में ही अपनी ही किसी लैंग्वेज में, उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज क्रिएट कर ली थी जिसमें वो आपस में बातें कर रहे थे, दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, ह्यूमंस अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो जहाँ पर काम हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर नेगेटिव चीज़ें भी हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरह की मूवीज़ भी काफ़ी तुम लोगों ने देखी होंगी कि जिसमें वो बताते हैं कि इन फ्यूचर ऐसा होगा कि मशीन्स जो हैं वो ह्यूमंस को ओवरटेक कर लेंगी और वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही होंगी एंड सो ऑन। तो वो मूवीज़ की हद तक है अभी फ़िलहाल, लेकिन जो मैं चैटबॉट की बात कर रही हूँ उसमें भी कुछ इसी तरह का हुआ था कि मशीन्स जो हैं वो आपस में ही बात कर रही थी, ह्यूमंस जो हैं वो देखते मतलब उनको नहीं समझ आ रहा था कि वो बात क्या कर रही हैं। मैं आगे शायद मैंने इसका स्क्रीन शॉट भी लगाया हुआ था, शायद नहीं है इसमें। तो उसमें फिर एट दी एंड ये हुआ था कि उन्होंने अपना ये सिस्टम जो है वो शट डाउन कर दिया था। इसी तरह जो अमेज़ॉन है, रिसेंटली अभी 2019 में अमेज़ॉन ने अपनी एक सर्विस लॉन्च करी थी, रिकमेंडेशन सिस्टम था जिसमें जो CVs आती हैं जॉब रिक्रूटमेंट के लिए, तो वो उनको फ़िल्टर आउट करने के लिए वो सिस्टम उन्होंने बनाया था, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स उसमें लगाए थे। तो एट दी एंड उसमें हुआ ये था कि जो CVs वो फ़िल्टर कर रहा था, वो सारे मेल्स की CVs फ़िल्टर कर रहा था, जिसमें ये बायसनेस आ गई थी कि मेल्स की सारी जॉब्स लगेंगी, फ़ीमेल की नहीं लगेंगी। अच्छा, उसने ये चीज़ कहाँ से लर्न करी थी कि अमेज़ॉन में जितने वर्कर्स थे वो मेजॉरिटी मेल्स थे। तो उन्होंने अपने सिस्टम को शट डाउन कर दिया था बिकॉज ऑफ दिस बायसनेस, के यहाँ पर जेंडर बायसनेस आ रही थी, तो दैट्स वाई दे शट डाउन द सिस्टम। तो जहाँ पर हम कहते हैं कि बहुत सारे फ़ायदे हैं AI के, वहाँ पर बहुत सारे नुकसान भी हैं और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं। तो सिर्फ एक पॉजिटिव, हर चीज़ की एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड भी होती है। तो अगर हम इसे पॉजिटिवली यूज़ करें, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम इस तरह की कर सकते हैं जो कि ऑब्वियसली ह्यूमन, जिस तरह हम कहते हैं सर्जरी की फील्ड में या मेडिकल की फील्ड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ह्यूमंस इतनी अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, इतने एक्यूरेटली परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर एक्यूरेसी भी मैटर करती है जितना अच्छा मशीन्स परफॉर्म कर सकती हैं। तो इस तरह से अगर हम इसको अपने फ़ायदे के लिए लें या अपने बेनिफिट के लिए हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिवली यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी ऑब्वियसली हमारा ही नुकसान है। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर है डांट के नाम से जो कि पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर रहा था, इसका यानी कि जो डेवलपर था दैट वाज अ पाकिस्तानी, और उसमें करता ये है कि वो बहुत सारे आर्टिकल्स लेता है और उन आर्टिकल्स में से
अपना एक नया आर्टिकल क्रिएट कर देता है। सही है, तो ये पहला, दुनिया का पहला वाहिद इस तरह का सॉफ्टवेयर था जो कि न्यूज़ पब्लिशिंग में यूज़ हो रहा था। और इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने इसकी वीडियो शेयर करी है ग्रुप पे, यू कैन सी दैट वीडियो एज़ वेल, जिसमें उसने बताया डेवलपर ने कि वो किस तरह से काम करता है, सेंटिमेंट एनालिसिस परफॉर्म कर देता है कि अगर उसे बहुत सारे आर्टिकल्स दिए जाएँ तो वो उसमें ये बता सकता है कि वो उसमें नेगेटिव बात हो रही है या पॉजिटिव बात हो रही है, और वो किस बारे में बात हो रही है, उसके कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करता है तो उसे फाइंड आउट कर सकता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। 20 जनवरी 2019 में ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ था। दैट वॉज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो कि राइटिंग और पब्लिशिंग या जर्नलिज्म की फील्ड में ये पहला इस तरह का सॉफ्टवेयर था। इसके अलावा ये फ्रॉड डिटेक्शन में यूज़ होता है, ये हम स्टॉक प्रिडिक्शन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड सो ऑन। NLP में काफ़ी काम हो रहा है, AI में, गूगल ट्रांसलेट हम इसका डिस्कस करेंगे इन द लाइव सेशन। अगर किसी ने यूज़ किया है गूगल ट्रांसलेट, अब लाइव ट्रांसलेट भी कर देता है, तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है टूरिस्ट के लिए, उन्होंने बेसिकली इन्वेंट करा था। स्पेशली जब यहाँ से अगर हम सपोज़ करें कि कोई जर्मनी जाता है, तो जर्मनी में वहाँ पर हर चीज़ जर्मन लैंग्वेज में ही, इवन उनकी किताब, उनकी हर जो साइंस, रोड के जो साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो सब जर्मन लैंग्वेज में होता है। तो गूगल ट्रांसलेट जो है वो उनको लाइव ट्रांसलेट करके, यानी कि मैं सिर्फ अपने कैमरे को पोजिशन करूँगी उस साइन बोर्ड पे, तो वो उसको उसी वक्त मुझे ट्रांसलेट करके बता देगा कि उसका मीनिंग क्या है इन इंग्लिश या इन एनी लैंग्वेज जिसमें हम करना चाहें। तो ये 100 लैंग्वेजेस पर काम करता है, और अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ये दिन ब दिन इम्प्रूव होती जा रही है। वो किस तरह हो रही है वो हम डिस्कस करेंगे द लाइव सेशन। स्पीच रिकग्निशन सिस्टम्स हैं, सीरी है, गूगल नाउ एंड सो ऑन, ये सारे जो सिस्टम्स हैं दिस इज़ पार्ट ऑफ NLP, और इनमें बहुत सारा काम है जो भी हो रहा है और बहुत सारा होना बाकी है। ठीक है, पेज रैंकिंग भी जो होती है दैट इज़ ऑल्सो फील्ड ऑफ AI। ठीक है, ये हम जब NLP की क्लास लेंगे तो मैं उसमें डिस्कस करूँगी।